हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अभी हम हैं गिलोंग में और वी आर रेडी टू राइड टू वर्ड्स आवर होम। ये हमारे ये है शिशु विलेज। गिलोंग के बाद मेजर सिटी ये है शिशु, और यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है और ये हिल स्टेशन है। लाहौल का ही पार्ट है गिलोंग की तरह, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं टनल पार करके। जब तक टनल नहीं बनी थी तब तक शिशु बहुत ही कम लोग आते थे। रोहतांग से कम 2 घंटे आने जाने के लगते थे और अब 10 मिनट लगते हैं, ये फ़र्क है। तो ये शिशु का वाटरफॉल बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये मैन मेड लेक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होती है सामने, और सामने ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो इस ब्रिज से होते हुए हम अटल टनल में एंटर कर जाएंगे, और ये तीसरी या चौथी बार मैं एंटर करूँगा अटल टनल। 2-3 बार पहले भी जा चुका हूँ, और दो बार तो श्रृंखला होते हुए गया था, एक बार हाँ लद्दाख गया था जब अटल टनल होते हुए। अटल टनल से हम आ गए हैं बाहर। बहुत लंबा जाम है, तो लगभग 10 किलोमीटर लंबी है ये टनल, जो आपका पूरा 2 घंटा बचाती है। सोलांग वैली 10 किलोमीटर, मनाली 24, कुल्लू 63। वैसे अगर मनाली आ रहे हैं तो ये देख लो, मनाली में छुट्टियों में जून में क्या हाल होता है, बहुत बुरा हाल है। यह तो पता नहीं कहां तक जाम लगा हुआ है। बिलासपुर 185, चंडीगढ़ 320, दिल्ली 570, हो। और ये जाम देखो, जाम। HR पंजाब हिमाचल दिल्ली MP। ये जो लास्ट ईयर मनाली में बाढ़ आई थी, ये पूरा रास्ता साफ हो गया था। ये जो कच्चा रास्ता अब दिख रहा है, ये बनाया था बाद में, ये पूरा रास्ता साफ कर दिया था इस बाढ़ ने। और अभी तक जाम में चल रहे हैं, पिछले लास्ट 1 आवर से जाम। अभी भी देखिए कितनी लंबी लाइन। आज सैटरडे वैसे है, सैटरडे संडे तो बस मनाली का तो राम भरोसे है भैया, बहुत जाम है यार। ये 1 घंटे से ऊपर हो गया मैं मनाली को क्रॉस करते हुए। मनाली नहीं क्रॉस हो रही है, अटल टनल से जैसे ही निकले उसके बाद जाम शुरू हो गया है। तो गाइस अभी हमने पेट्रोल फिल करा रही है मनाली से कम 10-15 किलोमीटर उतर के, और गर्मी शुरू हो गई है। ये अपना ये ड्राई फिट पहन लिया है और सारा वार्मर सब उतार दिया। अब इसके वेंट भी खोलने पड़ेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। कहाँ 0 डिग्री, कहाँ 30, 45, 40, बहुत बुरा हाल होगा। तो फ्यूल पूरा टैंक में करा लिया है और अभी निकलते हैं। अभी भी 9 घंटे दिखा रहा है हमारे घर को, देखते बीच में कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे, बता देंगे आपको। ये फ्यूल स्टेशन है जहाँ हमने अभी सारा तेल भरवा लिया, अपना जैकेट अपनी वार्मर निकाल दिया और अपनी जैकेट के वेंट्स खोल दिए, क्योंकि ज़बरदस्त गर्मी होगी यार, बहुत फ़र्क है यार वेदर में। और मेरे तो एयर चेक कराई बाइक,
अपने टायरों की, तो दोनों में बाज बाज पॉइंट मिले। मैं हूँ सुंदरनगर में और ये है पीछे मनाली स्वीट्स। यहाँ पे हमने चाय टी ब्रेक लिया है और अपना टी समोसा वगैरह खाया है और मैं अपने दोस्त से मिलवा रहा हूँ। ये हमारे मनोज भाई हैं सुंदरनगर वाले और ये फार्मासिस्ट है मेरे साथ। हमने फार्मेसी की है कम से कम है 24 साल हो गए होंगे। 26-27 साल हो गए हमारे। 29 साल तो मेरे जॉब हो गई यार। अच्छा 32 साल हो गए फिर। 29 साल जॉब हो गई। 32 साल हो गए हमारे को। और वही है ना, पुराने दोस्त कभी भूलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आ जा मिल के, मिलना है, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। तो ये भाई आ गया फटाफट, कहा थैंक यू यार, बहुत देख के मज़ा आया। आज मेरे पास रुकना है, जाना है। नहीं आप जा रहे हैं, चलेंगे आप। तो अब सीधा निकलेंगे जीरकपुर को और अमित भाई आप वेट करें मेरा। तो यहाँ से 3.5 घंटे लगेंगे। और ये जाम देखो चारों तरफ, पूरा जाम है यहाँ पे। तो बढ़िया है भाई मनाली, यहाँ स्वीट्स अगर रुकना है तो सुंदर है। तो मिलते हैं अभी बाइक पे। मेरी तरफ से तो चाय भी नहीं हुई। होगी चाय तेरी तरफ से ही है। तेरे चक्कर में रुक गया हम, तो नहीं तो निकल जाते। मैंने इसलिए आपको वहाँ बोला था, वो मैं जाम में फंस गया ना, हम यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे मार आना प्रताप चौक आएगा। ऐसे पता नहीं चल रहा था ना, पता नहीं चल रहा। मैंने बल्कि लाइव लोकेशन भी भेजी थी, फिर वो टाइम नहीं था ना, ये बाइक चलाते समय से नहीं दिखाई दे रही। हाँ चलो आराम से जाना, फिर क्या बोलूं। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। आना तो भाभी बच्चों को लेके। हाँ ठीक है, आइए तो भी दिल्ली। हाँ आऊँगा। ठीक कैसे भाई? बहुत बढ़िया। इधर से आ जाओ, पीछे मोड़ लो। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अंदर ही आ जाओ, क्योंकि इधर तो गर्मी हो रही है ना। हाँ ना, कोई नहीं, अंदर ही रख देते हैं। मैं हूं जीरकपुर और ये है अमित भाई, जिसके घर रात को हम आराम से सोए थे। और क्या? कपिल भाई चंडीगढ़ में होने का फायदा है। हाँ कपिल भाई अब तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। तो आज हमारी पूरा लद्दाख जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है और कपिल भाई के साथ मेरी आज फर्स्ट टाइम राइड थी, बहुत मज़ा आया इनके साथ। कपिल भाई बताएं आप कुछ। भैया के साथ राइड करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। हमारी बहुत ही अच्छी बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं बंदे से पहली बार मिल रहा हूँ। बढ़िया, और अच्छा लगा यार आपसे मिल गया। नहीं नेचर मिल गया है, वो तो देखो बाय लक होता है कि फर्स्ट टाइम आदमी मिले। कई आदमी होते हैं नहीं मिलने वाले, कई होते हैं चलो घुल मिलने वाले, ऐसे ही तो मिलते हैं लोग। हाँ एक दूसरे से, और तो क्या। तो बहुत बढ़िया लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कपिल भाई के साथ पूरा, मतलब कि ये ट्यूनिंग थी हमारी। जहाँ रुकना था रुकते थे, जहाँ खाना था खाते थे, जैसे बोलते थे भैया कह रहा है करना है करना है, नहीं करना नहीं करना, चलो। बहुत बढ़िया ट्यूनिंग मिली है हमारी। तो बेस्ट विशेष है आपका, घर तक सही सलामत पहुँचो। अभी ये गाड़ी में अपना कहाँ से गाड़ी डालेंगे? अम्बाला से अपनी बाइक को रेल में डालेंगे और वहाँ से फिर ट्रेन से जाएंगे अपना पिपरिया, MP भोपाल तक जाओगे ना?
तो भैया ठीक है, अपना सही सलामत पहुंचो। बिल्कुल भैया, चलो रिकॉर्ड करना सारा जैसे आप वो करते हो, कैसे कैसे करते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको पता है हम हैं जरकपुर में और अमित भाई के घर पे, तो थोड़ा रिलैक्स होने अमित भाई के पास मैं आया था। आज संडे था, मैंने कहा चलो संडे है तो थोड़ा आज रिलैक्स करेंगे, वरना मैं तो निकल जाता कभी चिल आउट के लिए। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। ड्रोन एडवेंचर इनका यूट्यूब चैनल है। और हमारी दीदी, आपका चैनल कौन सा है? दिव्या फोगाट व्लॉग्स। इनके भी बहुत अच्छे व्लॉग्स आते हैं, ये इनको भी देखें। और अब भी हम जा रहे हैं सेक्टर 20 में, पंचकुला में, थोड़ा लंच करने और थोड़ा रिलैक्स होने। भाई 15-16 दिन हो गए लद्दाख ट्रिप पे, भागम भाग लगी थी बाइक में पर, और जीरो टेम्परेचर, -1 टेम्परेचर, और अब 40 के आसपास है। सीधा आप ठंड से बिल्कुल सीधा गर्मी में आ गए हो, सीधा एक दिन में। तो गाइस हम आ गए हैं सेक्टर 20 और यह है रेस्टोरेंट प्रो ब्रू रिपब्लिक। यहाँ पे अब जाके हम कुछ लंच करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यार 15-17 दिन हो गए हैं पहाड़ों में घूमते हुए, आप आज रिलैक्स करेंगे बिल्कुल, और खाएंगे पिएंगे फिर सीधा जाएंगे घर पे और रेस्ट करेंगे। और रात को देखते हैं, निकलूँगा रात को क्योंकि ये धूप इस टाइम बहुत ज़्यादा है और थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा फिर निकलेंगे। ध्यान से सेफली, अमित भाई है ना? थैंक यू। तो सेफली जाना ध्यान से। हाँ पक्का, लाइव ट्रैकिंग भेज देना मेरे को बीच में कहीं से। हाँ ठीक, अभी पेट्रोल डलाना है, रुकूंगा फिर कर दूंगा। ओके बाय। हम पहुंच गए हैं पानीपत के टोल पे और यहाँ पे आशीष भाई वेट कर रहे हैं हमारा। क्या कर ट्रिप आप? और बच्चों कैसे हो? हेलो, बढ़िया था, लंच कर भी दिया? हाँ, कंप्लीट सर्किट, मिंगला वगैरह सब कर दिया। 15 दिन चौक 16-17 दिन है घर। नरेला, जैन साहब कहाँ है? जैन साहब कहाँ है? है टेम्परेचर आ गया 45 हो गया। हम जीरो में रहे हैं, 0-1-1 ऐसे। कल न्यूज़पेपर में आया था कि एक हफ्ते, मेरी पूरी उंगलियां सुन पड़ गई है ठंड से, इतना बुरा हाल था। घर आसपास ही है? घर मेरा पड़ता है मॉडल टाउन में, मतलब सेंटर ही है सिटी का, तो यहाँ से 8 किलोमीटर है। सुरेंद्र भी निकल रहा है ना तेरे को? वो सुरंगी, सोलंकी। हाँ कहाँ पे? जसकार करके आएगा सिर्फ। बाय बाय। ठीक है भाई, तो ये थे आशीष भाई जो पानीपत के राइडर हैं और यहाँ टोल पे मोस्टली हमें मिल के जाते हैं। कभी भी कोई राइडर जाता है तो ये कोशिश करते हैं उनसे मिलने, बहुत अच्छा नेचर है भाई का। और जैन साहब है हमारे एक और राइडर, वो भी मिलते हैं हमेशा, इनके साथ ही आते हैं, आज नहीं आए लेकिन हमेशा मिलते हैं। तो पानीपत को क्रॉस कर लिया है और अब सीधे चलते हैं अपने घर को।